हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको याद है मैंने आपको बताया था हार्डी वाटर लिली को टबर से कैसे लगाएं। मेरा इसका वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर। 2 महीने का समय हो गया है और ये है इसका अपडेट। एक सिंगल टबर और 2 लीव से मैंने लगाया था हार्डी वाटर लिली इस कंटेनर में और अब ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ ले चुका है। मेरे इस कंटेनर में मैंने जिस मेथड का इस्तेमाल किया था, ये देखिए गाइस, पानी काफ़ी साफ़ है और काई बिल्कुल नहीं जमी। इसमें मैंने कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स अजोला डाल दिया था अपनी फ़िश को बचाने के लिए और साथ ही कंटेनर के साइड में किए थे छोटे छोटे छेद, बहुत बारीक छेद किए थे मैंने, 5-6। जब भी बारिश आती है और पानी इसमें भरता है तो एक्स्ट्रा पानी इन छेद की मदद से निकल जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत बारीक छेद है ये देखिए। मैंने सुई को, मोटी सुई को गर्म करके फिर इसमें छेद किए। इस वजह से ओवर वाटरिंग मतलब ओवरफ्लो पानी का हो ही नहीं पाता है और मेरा कंटेनर में पानी के अंदर फिश जो कि बिल्कुल छोटी छोटी गप्पी फिशेज़ हैं, मौली फिशेज़ हैं और बहुत अच्छे से सेफ भी रहती हैं। इस कंटेनर में मैंने आपको जो टबर लगाना बताया था उसके साथ मैंने इसके साथ दूसरे कंटेनर में भी सेम टबर लगाया था और उसके भी कंडीशन अभी काफ़ी अच्छी है। दोनों ही कंटेनर में बारिश के पानी के साथ प्लांट काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में मुझे इसमें बर्ड्स देखने मिलेंगे, फ्लावर्स देखने मिलेंगे। सो ये तो था अपडेट हार्डी वाटर लिली का कि मैंने जो मेथड आपको बताया था वो कितना सक्सेसफुल हुआ। काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि ये मेथड कितना सक्सेसफुल है। सो गाइज, ये है रिज़ल्ट, मेरी मेथड काफ़ी सक्सेसफुल है जो मैंने बताई थी। इसके बाद दूसरा अपडेट है मेरे लोटस के कंटेनर का। आपको याद है मैंने लोटस के वीडियो के साथ बताया था इसको फर्टिलाइज कैसे करना है। ये है इसकी एरियल लीफ। इस लीफ पर मैं अपने एक या दोनों हाथ रख दूँ तो भी इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। पानी की सतह से काफ़ी ऊपर तक ग्रो होने वाली लीफ होती है लोटस की एरियल लीफ। एरियल लीफ आने के बाद साइन होता है कि फ्लावर्स कुछ दिनों में डेवलप होगा। सो फर्टिलाइज़र देने के बाद कुछ दिनों तक बारिश हुई और फिर बारिश रुक गई, काफ़ी अच्छी धूप निकली 20-25 दिनों तक, लोटस ने ग्रोथ ले ली और अब वापस से बारिश शुरू हो गई और साथ ही मेरे लोटस ने फर्टिलाइज़र एक्सेप्ट किया। छोटे पत्ते, बड़े पत्ते, काफ़ी सारे लीव्स इसमें डेवलप हुए हैं। इस कंटेनर में मैंने स्वॉर्ड ऑफ अमेज़ॉन के 2 प्लांट लगा रखे थे। फर्टिलाइज़र ऐड होते ही उन्होंने भी बहुत गजब की ग्रोथ ले ली। मैं आपको उनके फ्लावर्स दिखाती हूँ, उनके स्टेम पे बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, स्वॉर्ड ऑफ अमेज़ॉन भी एक वाटर प्लांट ही है, जल्द ही इस पर भी वीडियो आएगी मेरी। बट फर्टिलाइज़र का कमाल है कि लोटस के साथ साथ इनके भी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। इस कंटेनर में अगेन अजोला डाल रखा है मैंने फ़िश को बचाने के लिए और साइड से छेद भी कर रखे हैं। सो अब है तीसरा अपडेट, प्लूमेरिया चंपा। आपको याद होगा बीमारी से पूरी तरीके से परेशान मैंने मेरे चंपा को रिपोर्ट किया था और अब देखिए रिपोर्टिंग के बाद न्यू लीफ आना शुरू हो गई है। किसी लीफ पर कोई डिजीज़ नहीं है। मैंने आपको बताया था इसे रिपोर्ट कैसे करना है। फंगीसाइड का इस्तेमाल मैंने 2-3 बार किया इसे इसमें डाल लगाने के बाद, पानी में घोलकर, पत्तों पर भी और इसकी सॉइल में भी। बारिश के पानी ने और हेल्प कर दी और मेरा प्लूमेरिया अब वापस से न्यू ग्रोथ डेवलप कर चुका है। कंटेनर आपको याद होगा वही मिट्टी के गमले लिए थे मैंने, दोनों प्लांट्स को मैंने शिफ्ट कर दिया था और न्यू ग्रोथ में कोई डिजीज़ नहीं है किसी लीफ में। सो अब मुझे उम्मीद है ये जल्द ही अच्छी तरीके से हेल्दी होकर डेवलप हो जाएगा और न्यू फ्लावरिंग भी करेगा। सो गाइज, आज का ये वीडियो था अपडेट मेरे लोटस, हार्डी वाटर लिली और प्लूमेरिया का। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो विद अपडेट पसंद होगा तो। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।